नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और मैं मीना बारूपाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है गोवर्धन पूजा, तो हमारे राजस्थान में किस प्रकार से हम गोवर्धन पूजा करते हैं, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं आज किस तरह से गोवर्धन पूजा कर रही हूँ। अब सुबह सुबह मैं जा रही हूँ गोवर्धन पूजा करने के लिए। तो ये देखो, ये जो हमारे चढ़ाए जाते हैं हमारे खेतों में होने वाले काजरे, ये सिट्टे, जो भी मिठाई बनती है घर में वो। गोवर्धन पूजा हमारे घर के बाहर सड़क पर की जाती है। तो यहाँ मैंने गोवर्धन पर्वत के प्रतीक स्वरूप गाय का गोबर रखा है और उस पर मैंने ये दीपक जला दिया। ये देखिए, दीपक जला दिया और अब मैं इसको तिलक लगा दूंगी। तो ये देखो, इस तरह से हम इसको चिरस देते हैं। इस प्रकार जो रोली के छींटे लगाते हैं इनको चिरसना कहते हैं। तो ये मैंने चिरस दिया। और अब जो भी घर में मिठाई बनाते हैं वो भोग के स्वरूप चढ़ाते हैं। ये मिठाई भी चढ़ा दी। और ये जो मीठे भोग के चावल होते हैं वो अर्पित कर दिए। और हमारे जो खेतों में फल फ्रूट पैदा होते हैं वो ही हम गोवर्धन भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, राजस्थान के ड्राई फ्रूट जो माने जाते हैं, बेर चढ़ा दिए। और ये जो हमारे खेतों में काचरे होते हैं इस समय, ये काचर चढ़ा दिए भगवान को। खेतों में जो ये हमारे सामान्य फल फ्रूट होते हैं वो ही चढ़ाते हैं। तो ये काचर, बोर और सिट्टे, ये एक ऋतु फल केला भी चढ़ा दिया मैंने। और ये जो सिट्टे होते हैं ये चढ़ाए जाते हैं। तो ये पक्की सड़क है इसलिए यहाँ पे ये खड़े नहीं हुए, वरना मैं इनको चारों तरफ रोप देती। और ये वस्त्र स्वरूप मैंने मोली का धागा अर्पित कर दिया। और ये मेरी गोवर्धन पूजा पूरी हुई। ये जल चढ़ा रही हूँ मैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है और भगवान कृष्ण ने गायों की और अपने क्षेत्रवासियों की रक्षा की थी इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए। सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित किया था और उसी की याद में हम गोवर्धन पूजा करते हैं। तो ये मेरी गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। और मैं दिखाती हूँ, ये देखो पटाखों का जो कचरा है वो इतना सारा कर दिया बच्चों ने, सारा इकट्ठा किया है। 5 दिवसीय दीपोत्सव में आज गोवर्धन पूजा की सुबह और अब मैं लगा रही हूँ दीपक। 5 दिन दीपक लगाते हैं ना, तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ दीपक। आज उठी ना, जो लाइन में लाग जाओ सारा खा लो, खेत तो भी खाना था। हाँ मैं खुआ रही हूँ, तो मैं खुआ बाकी बात। ये देखो मेरे सारे बच्चे खड़े हैं और यहाँ पर ये भैया बना रहे हैं पुचके खा रहे हैं पे। पुचके सारे बच्चे पुचके खाने की तैयारी में। कई पुचके कहते हैं, कई गोलगप्पे कहते हैं। और ये छोटू दादा का ठेला है जिस पर बहुत ही शानदार ये पुचके बनाते हैं और ये झाल मुड़ी बनाकर तैयार करते हैं। बिल्कुल भाई, भाई की आज और ये इधर हार्दिक भी आ गया। हम भाई फ्री का क्यों
आजो आजो मम्मा क्या है। गुड जॉब। कौन सा पुचका खाएगा प्रत्यक्ष, कौन सा पुचका खाएगा? मिर्ची वाला, मिर्ची कट। तू तो क्या मीठा पुचका खाऊं हैं क्या? आजो मीडियम की। बच्चा पार्टी को, बच्चा पार्टी कोई पार्टी हो रही है भाई, पुचका पार्टी। पुचका पार्टी हो रही है। हार्दिक तू भी आजा बेटा। हार्दिक क्या आजा खा ले। ये सारे बच्चे पुचका पार्टी करते हुए और छोटू दादा इनको बना बना के दे रहे हैं पुचके। कई मीठे पुचके खा रहे हैं और कई चरके खा रहे हैं। ले ले रे, पहले आंखा पूरा कर सबको। पापड़ी हार्दिक मुंह पड़ क्योंकि मीठो खा ले। एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अगले साल भी इसी तरह से हम सब मिलकर धूमधाम के साथ हमारा ये 5 दिवसीय दीपोत्सव मनाएंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।